हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे रेविट आर्किटेक्चर में स्टेटस बार के बारे में। व्हाट इज स्टेटस बार, क्या होता है, कहाँ पे होता है और कैसे वर्क करता है और क्या क्या हमें ये इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो इसके बारे में। तो जो रेविट आर्किटेक्चर के अंदर स्टेटस बार होता है, नीचे होता है, ये काफ़ी छोटा आपको दिख रहा होगा। तो इसके लिए हम एक काम करते हैं, सेटिंग पे जाते हैं, डिस्प्ले पे जाते हैं और थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको स्टेटस बार यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे। अब स्टेटस बार क्या होता है कि जब आप जैसे ऑटोकैड की बात करें तो एल एंटर करते हो तो एक कमांड लाइन होती है, वो आपको बताती है कि लाइन स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, मतलब ये आपको शो करता है कि अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या करना है। पॉलीगन लेते हो तो आपको बताते हैं स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट और नेक्स्ट पॉइंट, मतलब ये आपको शो करता है कि अब नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होने वाला है। वैसे ही स्टेटस बार आपका क्या करता है, जैसे अब यहाँ पे वो लोगे तो आप यहाँ पे बताएगा कि क्लिक टू एंटर वॉल स्टार्ट पॉइंट। अगर आप यहाँ पे स्टार्ट पॉइंट स्टार्ट करते हो तो वो आपको शो करेगा कि अब नेक्स्ट आपका क्या होने वाला है, एंटर वॉल एंड पॉइंट या एस जेड टू क्लोज लूप। अगर आप यहाँ पे करते हो और एस जेड प्लस कर देते हो यहाँ पे तो वो क्लोज कर देगा इस तरीके से आपके लूप को। मतलब अगर आप कुछ भी यहाँ से यूज करते हो, विंडो अगर आप लेते हो तो यहाँ पे बोलेगा क्लिक टू वॉल टू प्लेस विंडो, वॉल पे क्लिक करोगे तो प्लेस विंडो हो जाएगा। तो उसके बाद जैसे यहाँ पे प्लेस करोगे तो उसके बाद प्लेस हो जाएगा, या फिर किसी भी टाइप से अगर आप वॉल को आप किसी भी डायरेक्शन में यहाँ पे ले जाते हो, अब आप यहाँ पे डोर या विंडो को प्लेस करते हो और यहाँ पे अगर आप यहाँ देखोगे कि प्लेस विंडो तो क्लोज लूप, अगर आप यहाँ पे प्लेस करते हो विंडो को तो उस वॉल के ऊपर ही प्लेस होती है, या फिर कोई भी कमांड आप यूज़ करोगे तो वो आपको बताएगा क्लिक टू प्लेस ए फ्री इंस्टेंस स्पेस बार टू रोटेट। मतलब कोई भी कमांड आप यूज़ करोगे, स्पेस बार करोगे तो रोटेट करेगा, या फिर किसी भी तरीके से आप किसी भी कमांड को यूज़ करोगे, आप यहाँ पे रूफ लगाओगे यस करोगे तो आपको बोलेगा पिक वॉल टू क्रिएट लाइंस, क्योंकि आपने यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है पिक वॉल, तो आप पिक वॉल को क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ पे प्रेस करोगे और तो यहाँ पे जाते ही वो आपको शो करेगा। अगर आप यहाँ पे कर्सर लेके जा रहे हो तो नीचे आप स्टेटस बार में देख सकते हो कि जेनरिक 8 इंच की वॉल है, उसके बाद फिनिश करोगे तो आपका यहाँ पे फ्लोर या रूफ को क्रिएट करेगा। मतलब किसी भी कमांड पे अगर आप क्लिक करते हो, अगर आप 3D में हो, 3D में आपने ये वॉल्स यहाँ पे क्रिएट की है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे शेडेड करते हो, इसको डिलीट करते हो, तो यहाँ पे किसी भी कमांड पे क्लिक करोगे, ओके करोगे तो यहाँ पे दिखाएगा ड्रैग एंड प्लेस मॉडल टेक्स्ट ऑन द फेस। मॉडल टेक्स्ट यूज किया है, फेस पे जाओगे, बट ये वाला प्लेस सेलेक्ट नहीं है तो हम सेट करेंगे प्लेस से पिक के पॉइंट और ये आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे इस चीज़ को, फिर आप इस पे क्लिक करोगे, ओके करोगे तो इस वाले पे आपका आ जाएगा। मतलब स्टेटस बार बेसिकली क्या करता है कि वो आपको शो करता है कि अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, कैसे आप अपनी एक सिंगल कमांड को यूज़ कर सकते हो, जो भी कमांड आपने सेलेक्ट की है। अगर ये स्टेटस बार आपको यहाँ पे शो नहीं होता है तो आप व्यू में जाके यहाँ पे यूज़र इंटरफेस पे जाके स्टेटस बार को हाइड कर सकते हैं, तो स्टेटस बार हाइड हो जाएगा और वहीं से स्टेटस बार पे क्लिक करोगे स्टेटस बार यहाँ पे आ जाएगा कुछ इस तरीके से। क्लियर है? तो मतलब स्टेटस बार बेसिकली आपका क्या करता है कि आपको कमांड के बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि अब आपका नेक्स्ट स्टेप एक्चुअल में होने क्या वाला है और आप उसे क्या कर सकते हो। तो ये था स्टेटस बार के बारे में। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें बिल्कुल मत भूलें। थैंक यू सो मच।